अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अबाउट लोगैरिथम, डेफिनेशन ऑफ लोगैरिथम। लेट ए एक्स एंड वाई बी रियल नंबर्स सच दैट ए इज ग्रेटर देन जीरो एंड ए डज नॉट इक्वल टू वन। इफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्सपोनेंट वाई then the logarithm of x to the base a is y and is written as log a x is equal to y। यहाँ स्टूडेंट्स ये कहा गया है कि ये थ्री नंबर्स हैं, a, x और y, ये तीनों रियल नंबर्स हैं और इसमें a की वैल्यू ग्रेटर देन जीरो है, बट a की वैल्यू वन नहीं हो सकती। आपको यहाँ पर अगर गिवन होगा x इक्वल टू a एक्सपोनेंट y, इसमें लोगैरिथम ऑफ x टू द बेस a इज y है एंड इसको रिटर्न में ऐसे लिखते हैं कि log a x इक्वल टू y। इसको हम अगर कंटिन्यू करें, इट फॉलोज दैट x इज इक्वल टू a एक्सपोनेंट y एंड log a x इज इक्वल टू वाई आर इक्विवेलेंट इक्वेशंस। यहाँ पर अगर एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना होगा तो हम लिख देते हैं x इज इक्वल टू a पर एक्सपोनेंट y इज द एक्सपोनेंशियल फॉर्म ऑफ द स्टेटमेंट एंड log a x इज इक्वल टू y इज द लोगैरिथमिक फॉर्म ऑफ द सेम स्टेटमेंट। यहाँ पर लोगैरिथम की लोगैरिथमिक फॉर्म एंड एक्सपोनेंशियल फॉर्म दोनों डिफाइन हो गई हैं। स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे अगर हमें एक ही क्वेश्चन गिवन है और इसको हमने कन्वर्ट कर देना है लोगैरिथमिक फॉर्म में, या आपको क्वेश्चन एक्सपोनेंशियल फॉर्म में गिवन है, यानी आपको यहाँ पर 2 पर एक्सपोनेंट 5 गिवन है और इज इक्वल टू 32, या आपको लोगैरिथमिक फॉर्म में कन्वर्ट करना है। सिंस 2 एक्सपोनेंट 5 इज इक्वल टू 32 गिवन है एंड देयरफॉर जब आप इसको लोगैरिथमिक फॉर्म में करेंगे तो आप इसको इस तरह से लिख देंगे कि आपने लिखा लॉग, फिर आपने लिखा स्मॉल 2 बिग लिखा हुआ था आपने स्मॉल कर दिया, फिर उसके बाद आपने लिखा यहाँ पर 32 एंड देन इज इक्वल टू 5, या आपने इसको कन्वर्ट कर दिया है, यानी लॉग आपने लिखा लोगैरिथमिक फॉर्म में कन्वर्ट करना है, इसलिए आपने लॉग लिख दिया कि 2 जो बेस था इसको आपने छोटा सा करके यहाँ लॉग के साथ यहाँ कर दिया लॉग 2 और इज इक्वल टू के बाद 32 था आपने यहाँ पहले लिख दिया इज इक्वल टू के बाद वाले नंबर को इज इक्वल टू एंड देन 2 पर एक्सपोनेंट 5 था तो इक्वल टू के बाद यहाँ 5 लिख दिया। ये आपका कन्वर्ट हो गया लोगैरिथमिक फॉर्म में। अब आपको यहाँ पर सेकेंड पार्ट गिवन है, इसमें कहा गया है 2 एक्सपोनेंट माइनस 7। जब आप इसको लोगैरिथमिक फॉर्म में लिखेंगे तो आप सबसे पहले लिखोगे log, फिर आपको यहाँ पर बेस गिवन है 2 तो आप इसको 2 लिख दोगे एंड देन इज इक्वल टू के बाद आपको गिवन है 1/128 तो आप लिख दोगे 1/128 इज इक्वल टू का साइन और यहाँ एक्सपोनेंट आपको गिवन है माइनस 7 तो आप यहाँ लिख दोगे माइनस 7। ये आपका कन्वर्ट हो गया लोगैरिथमिक फॉर्म में। यहाँ स्टूडेंट्स एक और पार्ट गिवन है और इसको भी आपने कन्वर्ट करना है लोगैरिथमिक फॉर्म में, तो आप इसको इस तरह करेंगे कि आप लिखेंगे लॉग, क्योंकि आपको लोगैरिथमिक फॉर्म में करना है, यहाँ पर आपको गिवन है 10 तो आप यहाँ पर लिख दोगे 10 इज इक्वल टू के बाद गिवन है 0.01 तो आप यहाँ लिख दोगे 0.01 एंड देन इक्वल टू का साइन एंड देन माइनस 2, तो ये आपका कन्वर्ट हो गया है लोगैरिथमिक फॉर्म में। नाउ यहाँ पर क्वेश्चन गिवन है राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। अब आपको क्वेश्चन गिवन है लोगैरिथमिक फॉर्म में और आपने इसे कन्वर्ट करना है एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। स्टूडेंट्स यहाँ पर आपको क्वेश्चन गिवन है लॉग एक्सपोनेंट लॉग और यहाँ पर आपको 5 गिवन है और फिर गिवन है 25 इज इक्वल टू 2, ये लॉग में वैल्यू गिवन है। आप इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में? यहाँ पर ये 5 आपको लिखा हुआ नज़र आ रहा है, आप इसको लिख दें 5, बेस बना दें 5 को, इज इक्वल टू के बाद गिवन है 2, आप इसको एक्सपोनेंट बना दें 5 का एंड देन इक्वल टू का साइन और फिर आप लिख दीजिए 25, तो ये आपका कन्वर्ट हो गया एक्सपोनेंशियल फॉर्म में।
नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर आपको गिवन है, यहाँ पर आपको 10 लॉग की यहाँ पर ये गिवन है 10, तो आप इसको कन्वर्ट करेंगे तो 10 को आप बेस बना देंगे और यहाँ पर इज इक्वल टू के बाद गिवन है -3, तो आप यहाँ लिख दोगे -3 देन इक्वल टू का साइन और फिर यहाँ पर 0.001 लिख दोगे तो ये कन्वर्ट हो जाएगा एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। इसके बाद हम एक और पार्ट देख लेते हैं। यहाँ पर आपको गिवन है क्वेश्चन लोगरिथमिक फॉर्म में, इसको आपने कन्वर्ट करना है एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। ये गिवन है आपको 2, तो आप 2 को लिख दीजिए बेस बना के एंड इज इक्वल टू के बाद गिवन है -3, तो आप यहाँ लिख दोगे -3 एंड देन इक्वल टू का साइन और फिर आप लिख देंगे 1/8, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। नाउ स्टूडेंट्स, यहाँ आपको क्वेश्चन गिवन है फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। ये आपको लोगरिथमिक फॉर्म में क्वेश्चन गिवन है और आपसे कहा गया है इसमें से आप एक्स की वैल्यू को फाइंड आउट करें। सबसे पहले आप इस क्वेश्चन में इसको कन्वर्ट कर दें एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। यहाँ आपको गिवन है 32, तो आप इसको लिख दोगे 32 और यहाँ इज इक्वल टू के बाद गिवन है -1/5, तो आप यहाँ लिख दोगे 1/5 इसका एक्सपोनेंट बना दोगे एंड देन इक्वल टू का साइन और यहाँ एक्स था तो आप यहाँ पर एक्स लिख दोगे। एक्स की वैल्यू को आपने फाइंड आउट करना है। 32 को अगर आप एलसीएम लेकर सॉल्व करें तो आ जाता है आपके पास 2/5। 32 का एलसीएम ले लेते हैं, 2 1s are 2, 2 6s are 12, 2 8s are 16, 2 4s are 8, 2 2s are 4 and 2 1s are 2, यानी आपके पास 2 पर आ गया एक्सपोनेंट 5, 1 2 3 4 5, 2 पर एक्सपोनेंट 5 और यही हमने 2 पर एक्सपोनेंट 5 यहाँ लिख दिया है और इस पर आपको गिवन है -1/5 इज इक्वल टू एक्स। अब आपने क्योंकि एक्स फाइंड आउट करना है, यहाँ आपने लॉ यूज़ करनी है पावर ऑफ अ पावर 5 मल्टीप्लाई बाय -1/5 इज इक्वल टू एक्स। देन 5 से आपने 5 को कैंसिल किया तो आपके पास रिमेनिंग वैल्यू आ गई 2 raised to power -1। यहाँ पर आपके पास आ जाएगी 2 raised to power -1 इज इक्वल टू एक्स। और आप इसको लिख सकते हैं एक्स इज इक्वल टू 2 raised to power -1। अब आपको यहाँ पर नेगेटिव में गिवन है एक्सपोनेंट, आप इसको पॉजिटिव करेंगे तो आप इसका रेसिप्रोकल कर दो 1/2, तो ये आपको मालूम हो गई एक्स की वैल्यू। ये हमारा पार्ट 1 सॉल्व हो गया है। नाउ स्टूडेंट्स, यहाँ पर आपने फाइंड करनी है वैल्यू एक्स की और आपको यहाँ पर क्वेश्चन गिवन है लोगरिथमिक फॉर्म में। फर्स्ट स्टेप में आप करोगे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट। जब आप एक्सपोनेंशियल फॉर्म में करोगे तो यहाँ लॉग के यहाँ पर आप देखें 10 लिखा हुआ नज़र आ रहा है, तो 10 को आपने कर देना है बेस बना देनी है और इज इक्वल टू के बाद आपको गिवन है -4 लिख देना है एंड देन यहाँ पर गिवन था एक्स, तो आप लिख दोगे एक्स। अब 10 raised to power -4 इज इक्वल टू एक्स आ गया। एक्स की वैल्यू आपने फाइंड आउट करनी है और ये नेगेटिव में वैल्यू गिवन है, एक्सपोनेंट नेगेटिव में है, तो आप इसको इसका रेसिप्रोकल लेकर 10^4 कर दें इज इक्वल टू एक्स। स्टूडेंट्स, आपको मालूम है जब आपके पास 10^4 है तो आप इसको इस तरह से लिख सकते हो एक्स इज इक्वल टू 1 10^4, एक्स इज इक्वल टू 1 और 10 पर आपने यहाँ पर 0 पे 4 है तो 4 डिजिट 1 2 3 4, यहाँ तक भी स्टॉप कर सकते हैं या फिर आप इसको कैलकुलेटर यूज़ करें, 1 से डिवाइड करें वैल्यू और फिर पॉइंट्स में आंसर आ जाएगा, या यहाँ तक स्टॉप कर दें तो x फाइंड आउट हो गया है। स्टूडेंट्स, यहाँ हम फाइंड करेंगे वैल्यू a की। क्वेश्चन आपको गिवन है लोगरिथमिक फॉर्म में, आप इसको सबसे पहले कन्वर्ट करेंगे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, तो आप लिख दोगे a एक्सपोनेंट 1/2 इज इक्वल टू 3।
क्योंकि यहाँ पर इज इक्वल टू से पहले 3 है तो आप यहाँ इज इक्वल टू के बाद लिख दोगे, और 1/2 यहाँ था तो आप इसको पावर बना दोगे a की। अब आपके पास a की पावर 1/2 इज इक्वल टू 3 क्वेश्चन बन गया। अब यहाँ स्टूडेंट्स आपने, क्योंकि यहाँ पर a फाइंड करना है और a पर एक्सपोनेंट 1/2 नज़र आ रहा है, तो आप यहाँ लिख दोगे मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय पावर को आप मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर देंगे 2 से। तो यहाँ पर आपने लिखा 1/2 मल्टीप्लाई बाय 2। इसी तरह से यहाँ 3 लिखा हुआ है तो इस पर एक्सपोनेंट आ जाएगा 2, क्योंकि दोनों साइड पर आपको बेसिस यहाँ a गिवन थी, यहाँ 3 गिवन थी बेस, तो आपने 2 से यहाँ भी मल्टीप्लाई किया, इक्वल टू के बाद 2 यहाँ भी लिख दिया। इसका ये हुआ कि 2 से 2 कैंसिल हो गया, a लिख दिया और 3 पे आ गया 2, मीन्स कि 3 मल्टीप्लाई बाय 3। तो आपके पास 3 3 3 3 3 9, यानी a की वैल्यू फाइंड आउट हो गई 9। ये फर्स्ट पार्ट आपका सॉल्व हो गया है। नाउ स्टूडेंट्स, यहाँ आपको नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन है, यहाँ भी आपने फाइंड करनी है a की वैल्यू। आपको गिवन है क्वेश्चन लॉगरिथमिक फॉर्म में, आप इसको सबसे पहले कन्वर्ट करोगे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। आपने लिखना है a और इस पर -2/3 यहाँ इक्वल टू के बाद है, आप यहाँ लिख दोगे -2/3 इज इक्वल टू 1/25। ये आपका क्वेश्चन एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट हो गया है। अब आप यहाँ पर लिखोगे a और इस पर एक्सपोनेंट है -2/3 इज इक्वल टू 1/25 गिवन है। तो आप स्टूडेंट्स इसको लिख सकते हैं 1/5 पर स्क्वायर, मीन्स 5 पे स्क्वायर बन जाएगा 25। अब आपके पास क्योंकि यहाँ पे, अब यहाँ पर आपने लिखा a पर एक्सपोनेंट है -2/3 इज इक्वल टू, अब 5 को आप क्योंकि यहाँ पर अपॉन में गिवन था तो आप इसको रेसिप्रोकल कर दो, ये बन जाएगा 5 पर -2। क्वेश्चन यहाँ तक पहुँच गया, हमने फाइंड आउट करना है a। अब a पर भी यहाँ एक्सपोनेंट -2/3 नज़र आ रहा है आपको, -2/3 को आपने गायब कर देना है। इसका मेथड ये होता है कि आप मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाई कर दोगे -3/2 से। यही काम आप यहाँ करोगे -3/2 से। जब 2 से 2 कैंसिल एंड 3 से 3 कैंसिल, माइनस माइनस से कैंसिल, तो यहाँ पर ये रह जाएगा रिमेनिंग a। और इसी तरह से 2 से 2 कैंसिल तो 5 पर रह जाएगा माइनस, माइनस प्लस 5 पर रह जाएगा क्यूब। 5 पे क्यूब की मीनिंग है कि 5 को आप 3 टाइम एक्सपेंड कर दोगे, 5 5 ज़ा 25 एंड 25 5 ज़ा 125, तो a की वैल्यू आ जाएगी 125। आई होप कि ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। यहाँ आपसे कहा गया है फाइंड द वैल्यू ऑफ y। क्वेश्चन आपको लॉगरिथमिक फॉर्म में गिवन है और आपको y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो स्टूडेंट्स, हम फर्स्ट स्टेप में इसको कन्वर्ट कर देंगे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। जब हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में करेंगे तो यहाँ पर आपको गिवन है √5, आप इसको लिख देंगे √5 और इस पर आप एक्सपोनेंट लिख दोगे y और इज इक्वल टू के बाद लिख दोगे 25। आपने क्योंकि फाइंड करनी है y की वैल्यू, तो स्टूडेंट्स आपको 5 पर √5 पर आपको गिवन है y, ओके आप लिख दें y, और इसी तरह से 25 को आप लिख सकते हैं 5 पर स्क्वायर, क्योंकि 5 5 ज़ा होता है 25। अब √5 है तो मींस के 5 गिवन है 1/2 और मल्टीप्लाई हो जाएगा ये इस y के साथ एंड इज इक्वल टू 5 पर आ गया 2। नेक्स्ट स्टेप में आप यहां पर लिख सकते हो कि 5 पर y/2 इज इक्वल टू 5 पर स्क्वायर। हमने फाइंड आउट करना है y की वैल्यू को और यहां पर बेसिस सेम हो गई, यहां भी 5 है और यहां भी 5 है। जब बेसिस सेम हो जाती हैं स्टूडेंट्स, तो हम एक्सपोनेंट्स को इक्वेट कर देते हैं। नाउ हम लिख देंगे y/2 इज इक्वल टू 2 और y फाइंड आउट करना है, तो y इज इक्वल टू 2, यहाँ डिवाइड में था तो मल्टीप्लाई में हो गया 2 2 ज़ा 4, तो y की वैल्यू आ गई हमारे पास 4, जो हमें क्वेश्चन में फाइंड आउट करने को कहा गया था। यहाँ हमें क्वेश्चन गिवन है और हमसे कहा गया है कि हम y की वैल्यू को फाइंड आउट करें, तो हम सॉल्यूशन फाइंड आउट करने के लिए इसको कन्वर्ट कर देंगे लॉगरिथमिक फॉर्म में गिवन है तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में।
एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए आप यहाँ पर जो गिवन है 55, इसको आपने बेस बना देना है, यहाँ लिख देना है 55 और इस पर एक्सपोनेंट आ जाएगा जो इक्वल टू के बाद यहाँ वाई गिवन है, यहाँ इसका ये एक्सपोनेंट बन गया एंड देन इक्वल टू का साइन और जो यहाँ पर लॉग के साथ वैल्यू गिवन थी 55, इसको आप यहाँ लिख दोगे 55। स्टूडेंट्स क्योंकि अब यहाँ पर आप नोट करें बेस दोनों की सेम हो गई है, यहाँ भी 55 है और यहाँ भी 55 है, तो आप यहाँ पर कंपेयर कर देंगे एक्सपोनेंट्स को, कंपेयर द एक्सपोनेंट्स। जब आप एक्सपोनेंट्स को कंपेयर करोगे तो स्टूडेंट्स यहाँ वाई की वैल्यू आ जाएगी 1, क्योंकि अगर यहाँ पर मालूम है कि अगर यहाँ पे कोई भी एक्सपोनेंट नहीं तो मीन्स 1 है, तो y की वैल्यू हमें फाइंड आउट हो गई, y इज इक्वल टू 1। यहाँ आपको थर्ड क्वेश्चन गिवन है और इसमें भी आपको इसे कन्वर्ट करना है, फाइंड करना है y की वैल्यू को, तो हमें लॉगरिथमिक फॉर्म में क्वेश्चन गिवन है, तो फर्स्ट स्टेप में हम इसको कन्वर्ट करेंगे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में करने के लिए कन्वर्ट, यहाँ पर आपको लॉग के साथ ये छोटा सा लिखा नज़र आ रहा है 10, इसको आप कर देंगे बेस बना देंगे 10 और यहाँ इज इक्वल टू के बाद है y, तो ये बन जाएगी इसकी इसका बन जाएगा एक्सपोनेंट y इज इक्वल टू, यहाँ गिवन था 100 तो आप लिख दोगे 100, ये कन्वर्ट हो गया एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। हमने फाइंड आउट करना है y, अब 10 लिखा हुआ है और 10 पे गिवन है y इज इक्वल टू, स्टूडेंट्स यहाँ पे हम इसको लिख सकते हैं 10 पे स्क्वायर, क्योंकि हमें मालूम है जब यहाँ पर 20 गिवन है तो हम लिख सकते हैं इसकी पावर 2। अब यहाँ पर क्योंकि बेसिस सेम हो गई, नाउ अब हम वही काम करेंगे कॉम्पेयर द एक्सपोनेंट। जब हम इसके एक्सपोनेंट को कॉम्पेयर कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा y इज इक्वल टू 2। ये हमने फाइंड आउट कर ली y की वैल्यू, हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया है।